Namaste. Namaste, namaste. The child said, "Come get me. I'm gonna call the police." India. You are from India? Yes, I'm from India. Ah, Bilal. Do you like our country? तो भाई अपना यहाँ पे एक फ्लैट था मतलब दो दिन के लिए, तो वो अभी छोड़ चुके हैं, अभी जा रहे हैं घूमने यहाँ से। तो भाई अभी पैसा निकाल लेंगे, 5-7-10 हज़ार में यहाँ काम नहीं चलता है, तो अभी एंटर करते हैं। काउंट करना पड़ता है कितना है, 1 लाख हो गया, एक और डाली 10 लाख, 1 करोड़ हो गया, तो हो गया। तो भाई अब 10 लाख रुपए निकालेंगे, देखते हैं क्या आएगा। अब जीरो देखो, ट्रिपल ट्रिपल दे रहा है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट निकालते हैं ना लोग। ये आ गया 1-1 लाख के नोट हमारे, तो ये सब है भाई यहाँ पे। तो गाइज अभी पहुँचे हैं यहाँ की मार्केट में, आपको मैनेजमेंट दिखाएंगे और खाने का दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पे खाने का। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट देख लो, बैठने का ज़बरदस्त, ऊपर थोड़ा अप करके बनाया गया बेड टाइप है और दोनों तरफ जैसे लोग बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं, और बीच में अपना अच्छा फाउंटेन चलता है, और तो ज़बरदस्त मतलब बहुत ही अच्छी सीटिंग बनाई हुई है इन्होंने। और खाने का देखो तो ये सब कुछ मिलता है खाने में, मतलब वेज भी मिलता है, अगर आपको वेज खाना है तो वेज भी मिलेगा। तो ये एक छोटी सी मार्केट थी जो अभी घुमाई, अभी हम बैठ के थोड़ा सा कुछ खाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट जहाँ पे खाएंगे। देखिए भाई साहब, अभी इनमें से एक टेबल अपनी होएगी, बैठ के खाना खाएंगे। हिरण उरण भी है भाई इनका, ये अपनी टेबल है, अभी खाना खाएंगे। Yes, I am from India. Do you like our country? I like your country very much. Welcome to our country. Okay, thank you. Come again. Okay. तो गाइस अभी खाने बैठे हैं जैसे, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ये फूड आएगा। लाइक ये है आलू का है ना सर, ये आलू की प्योरी बोलते हैं इसको यहाँ पे, तो क्रश करके मतलब उबाल के क्रश करके जो भी बनाते हैं। ये ब्रेड है जो यहाँ के मतलब फेमस है। फिर उसके बाद आपको सैलेड मिलेगा, और ये ग्रेच का, और राइस, राइस भी बहुत फेमस है यहाँ, और कॉफ़ी, और सबसे फेमस चीज़ यहाँ की ये है आइस टी। आप कहीं भी टेबल पे बैठेंगे तो आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अभी वेज के लिए मैंने बता दिया क्योंकि हम वेज खा रहे हैं, और नॉन वेज के लिए यहाँ सब कुछ है, जो भी आप एवरीथिंग जो खाना चाहे कुछ भी मिलेगा यहाँ पर। And then Indian, he advised Indian friend like this: if your father is gonna hit, just call the police. And the Indian boy go home, come back at home. The father was going to beat, and the child said, "Don't beat me. I'm gonna call the police." And the father, you know, he asked your father, "Father, just give the phone. Just call the police." But the police. बहुत से लोग आपको यहाँ पे इंडियन सॉन्ग्स भी सुनते मिल जाएंगे, जैसे अभी हमारी गाड़ी में ये भाई सुन रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ से दुबई वगैरह में काम करने जाते हैं तो उनको हिंदी वगैरह सब कुछ आता है, तो उनको इंडियन सॉन्ग पसंद है, तो यहाँ पे वो भी चलता है भाई। अभी आए हैं यहाँ का जो सेंटर पार्क है, सेंटर पार्क में मेरे को यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, झूले हैं और भी बहुत कुछ है, स्विमिंग पूल वगैरह है, और यहाँ पे मतलब पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, और अभी अंदर जाएंगे देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए मेरे साथ अंदर दिखाते हैं, आज आपको करवाते हैं यहाँ का टूर। नमस्ते, यू नो इंग्लिश? Only Uzbeki and Russian. Okay. Thank you. तो गाइस देख रहे हैं आप, यहाँ पे करने के लिए भी काफ़ी कुछ है, ये मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा कुछ करने का मन करता है, ये बॉक्सिंग पंच वगैरह है जो भी सब कुछ, और ये हंटेड हाउस होगा शायद इनका, क्योंकि नाम मेरे को समझ तो आ नहीं रहा क्या लिखा है। और यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग मॉल भी है, सब कुछ है, कपड़े वगैरह भी खरीद सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं,
तो चलिए चलते हैं आगे। और गाइज एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत से लोग, मतलब मुस्लिम कंट्री है जैसे, तो मतलब अस्सलाम वालेकुम वगैरह करते तो सभी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर, मतलब जब आपको देखेंगे तो वो सीधा आपको बोलेंगे नमस्ते, तो वो चीज़ भी एक अच्छा लगता है, तो मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने में। अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है, अब देखिए यहाँ का एक यूरोपियन कल्चर दिखता हुआ थोड़ा सा, सारी स्ट्रीट यूरोपियन टाइप लग रही है, धूप ज़्यादा है तो गर्मी है, इसलिए हमने ये राइड ले ली, आराम से इसमें बैठ के देखते हुए चलेंगे, सब कुछ आपको दिखाते हुए चलेंगे, यहाँ का कल्चर बताएंगे, यहाँ पे घूमने के प्लेस बताएंगे, एवरीथिंग। ये कुछ बोल रहा है लेकिन अपने को कोई समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये बहुत बड़ा पार्क है भाई अभी तक, मतलब यहाँ पे पूरे, मतलब जो मैंने उज़्बेकिस्तान में एक चीज़ ऑब्जर्व की है, हर एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब आने वाले 4-5 साल तक, मतलब ये भी कुछ अच्छा करने वाले हैं। व्हाट इज दिस? मॉस्क, मस्जिद भाई, ये मस्जिद है यहाँ की। ये आर्टिफिशियल एक झरना बना रखा भाई इन्होंने, मस्त लग रहा है भाई, और ठंडक मिल रही है थोड़ी सी यहाँ पे, गर्मी में भी थोड़ा ठंडक का एहसास यहाँ पे हो सकता है। और इधर आगे फिर एक और राइड, और बीच में स्विमिंग पूल, मस्त है। और उधर वो पीछे राइड चल रही है, दिख रही होगी अगर आपको तो। ओ भाई ये कहाँ उतार रहा है नीचे, ये अभी है थोड़ा थोड़ा एडवेंचर भी दिखाने की कोशिश में है। सेफली लैंडेड। और यहाँ से मेन एंट्री है, ये मतलब मस्जिद स्टाइल में बना रखी है, ऑफ कोर्स मुस्लिम कंट्री है तो थोड़ा सा, तो चलिए एंटर करते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको क्या है क्या नहीं। तो ये कंप्लीट लाइक डिज्नीलैंड की तरह बना रखा है इन्होंने, हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ। और तो मेरे को एक चीज़ और ऑब्जर्व की मैंने, ये आप ऊपर देख रहे हैं, देखिए ये ना बिल्कुल वो लगे हुए हैं, तारे हैं इन दो, जिनमें मतलब पानी थोड़ा थोड़ा फुहारा चलता है ताकि ठंडक बनाए रखे गर्मी में भी। All about this park and this city, and now we are going to another city, Andijan. So next vlog वहाँ से शुरू करेंगे, तो चलिए इसको vlog को करते हैं यहीं पर ख़त्म। और इसमें like हमने अपना जैसे यहाँ का मेनली इनका traditional food, थोड़ी बहुत ही traditional चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो शायद एक जो अपना उज़्बेकिस्तान आ रहा है उनको शायद जाननी चाहिए ये चीज़ यहाँ आने से पहले। तो चलिए चलते हैं अभी, नेक्स्ट सिटी में मिलते हैं, तब तक के लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।